अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन फ्राइड राइस, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चले तो फिर बिना वेट किए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे अंडे। दो अंडे हैं जिसको हमने इस तरीके से फेंट लिए हैं। इसको फ्राई करेंगे। अंडे फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसको अपने प्लेट में निकालेंगे और इसको हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम इसी पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे, या हाफ के जी चिकन है। इसके अंदर छोटे छोटे पीस काट लिए थे क्यूब्स की तरह, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और चिकन को अच्छे से भूनेंगे कि चिकन का कलर ब्राउन आ जाए। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ वेजेस। 1 प्यारी हमारे पास बंद गोभी है, ये डाल देंगे। 1 प्याली शिमला मिर्च है और 1 प्याली गाजर है। इसको इस तरह से बारीक काट लिया था। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून चीनी और 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। इसको फिर से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे बॉइल्ड चावल, बॉइल्ड राइस, इसको हमने पहले से बॉइल कर लिया था, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालकर इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल का हमने वेजेस के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून सिरका और 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस। फिर से मिक्स करेंगे। सिरके और सोया सॉस को मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो हमने फ्राई करके अंडा रखा था वो डाल देंगे इस तरह से। और इसी के साथ डाल देंगे ये हरी प्याज है 1 प्यारी, इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर से एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। चले तो फिर 5 मिनट बाद मिलते हैं। देखें, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने चावलों को चेक करेंगे। अब हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे बने। चिकन फ्राइड राइस को हमने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी पसंद आई हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।